Hello everyone, are you guys ready for the part 2 of chapter number 3? This session is for class 6, chapter number 3, part 2. So what we were doing was, the name of the chapter is Separation of Substances, and we'll be starting from page number 29. Separation, sedimentation and decantation, what are these processes jisse hum substances ko separate kar sakte hain? These methods are used to separate us सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग करने को सेडिमेंट, अगर हमें अलग करना है तो हम सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन के प्रोसेसेस का यूज करते हैं. इफ यू अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम, द सॉलिड विल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द लिक्विड विल रिमेन ओवर इट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. बहुत ही सिंपल चीज है. आप एक कांच के ग्लास में या बॉल में पानी लीजिए, उसमें मिट्टी को डिजोल्व करिए किसी स्पून से, और थोड़ी देर उसको रेस्ट करने दीजिए. वॉट यू विल ऑब्जर्व इज कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है, एंड जो उसमें लाइट इम्प्योरिटीज है जैसे कोई घास का तिनका या लकड़ी का टुकड़ा, वो है ऊपर फ्लोट करने लगा है. दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन, एंड द सॉलिड लेयर एट द बॉटम इज कॉल्ड द सेडिमेंट. और जो नीचे उस सोल्यूशन में जो नीचे जम गया है सॉलिड पार्ट, दैट इज नोन एज सेडिमेंट. द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज नोन एज सेपरेटेंट लिक्विड, और जो ऊपर उस सॉलिड लेयर के ऊपर जो लिक्विड है उसको कहते हैं सुपरनेंट लिक्विड. आफ्टर सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन इज कैरिड आउट बाय पोरिंग आउट द सुपरनेटेंट लिक्विड कैरिंग इन टू अनदर वेसल लिविंग बिहाइंड द सेडिमेंट. इन द लेबोरेटरी यू मे पोर आउट द लिक्विड यूजिंग अ ग्लास रॉड टू अवॉइड स्पिलिंग. डिकेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड सच एज ऑयल एंड वॉटर. सच लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड अपियर इन सेपरेट लेयर्स. ये भी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप घर पर कर सकते हैं कि आप पानी में ऑयल को मिलाने की कोशिश कीजिए. आप उसे स्टर करिए किसी कांच के ग्लास में लेकर, बट वॉट यू विल ऑब्जर्व इज कि जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा, और दोनों ही लिक्विड्स हैं, दोनों को मिल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. तेल जो है वो ऊपर वाली सर्फेस पर आ जाएगा और नीचे वाली सर्फेस पर पानी रह जाएगा. दो आपको सेपरेट लेयर्स दिखाई देंगी. देन फिल्टरेशन हम डेली इस्तेमाल करते हैं, पानी फिल्टर्ड पीते हैं, ये सबसे कॉमन चीज है जो हम रोज करते हैं. या हम जब चाय बनाते हैं तो उसको एक मेश के थ्रू, स्ट्रेनर के थ्रू चाय की पत्ती को अलग करते हैं उस सोल्यूशन से, दैट इज नोन एज फिल्टरेशन. हम उसको फिल्टर कर रहे हैं, मतलब जो उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं या चाय की पत्ती हार्ड है उसको चाय से अलग कर रहे हैं, तो उसमें हम जिस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं दैट इज फिल्टरेशन. You must have seen in your homes that after preparing tea, it is passed through a strainer to separate tea leaves from tea. Since tea leaves are bigger than the holes of strainer, therefore they are retained on the strainer, which works as a filter. This act of passing a liquid through filter or a piece of equipment in order to remove particular undissolved substance is known as filtration. Filtration is used to separate solid impurities from a liquid. Solid impurities जो भी किसी liquid में होती है उसे अलग करने के लिए हम filtration process का use करते हैं. Many materials such as cotton, glass, wool, sandpaper and filter paper can be used for filters. The choice of the filter depends upon the size of particles of the impurities to be removed. और कितना बड़ा filter लेना है, किस तरह का filter लेना है, वो हमारी choice है कि हमको कौन से particles को किस substance में से अलग करना है. An important application of filtration is the purification of water for drinking. सबसे common example है drinking water. In our homes, schools and offices, special water filters are used. The tap water is filled in these filters. These filters contain a porous pot made of ceramic. It acts as a filter. When water passes through the porous pot matlab chhedo wala pot, the solid impurities are left behind and the water passes through. This way it becomes fit for drinking. अब इसमें क्या होता है, फिल्टर्स में क्या होता है, एक सिरामिक पॉट होता है जिसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे कि पानी जो है वो साफ पानी नीचे बह जाता है, फिल्टर होकर आ जाता है, और इम्प्योरिटीज जो है वो ऊपर फिल्टर में रह जाती है, एंड पानी जो है वो पीने के लिए हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है. आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है. टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, पानी को अलग करना है चौक और पानी के मिक्सचर से. मिक्सचर ऑफ चौक एंड वाटर, टू बीकर्स, फनल, फिल्टर, ये आप अभी आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये सारा मटेरियल आपके घर पे उपलब्ध नहीं है.
तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक ग्लास लीजिए, कांच का ग्लास लीजिए और उसमें पानी डालिए। पानी डालकर उसमें सैंड को या मिट्टी को मिलाइए और थोड़ी देर उसको सेटल होने दीजिए। देन यू विल ऑब्जर्व कि आपने क्या करा कि जो हैवी उसमें इम्प्योरिटीज थी, जैसे सैंड थी, वो नीचे बैठ गई और जो लाइट इम्प्योरिटीज थी वो ऊपर हो गई। और फिर आप उसे फनल से या स्ट्रेनर से अलग कीजिए, जो हैवी पार्ट है वो नीचे रह जाएगा और डिकेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा जो पानी है वो उन इम्प्योरिटीज से फिल्टर हो जाएगा। अब एक और पानी को साफ करने का तरीका है, जिससे हम कॉमनली पानी को, अगर हमारे घर में फिल्टर नहीं है तो हम उबाल के पानी पीते हैं और आजकल हम ऐसा ही कर रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं। और जो हमारे कपड़े सूखते हैं, ये सब कॉमन एग्जाम्पल है इवेपोरेशन के। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड्स ऑन हीटिंग कन्वर्ट इन टू वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सिंपल प्रोसेस है, जब भी हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं वो वेपर्स में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज इन फैक्ट यूज ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो नमक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सी वाटर और लेक वाटर कंटेन्स कॉमन सॉल्ट। सी वाटर इज कलेक्टेड इन ओपन शेलो बेड्स एट high tide. These shallow beds are called lagoons. In the sun heat, the water evaporates and salt is left behind. The salt is then collected in heaps. क्या किया जाता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत नमक होता है और उसको क्या है, सी बेड्स, क्यारियों में इकट्ठा किया जाता है और उसे धूप लगने दी जाती है। नेचुरली जब पानी है उसमें तो वो इवेपोरेट होगा, सारा पानी वाष्प बन के, भाप बन के उड़ जाता है और क्या रह जाते हैं, नमक के बड़े बड़े हीप्स रह जाते हैं। Try it yourself. Take a beaker, एक बीकर लीजिए, उसे हाफ फिल करिए पानी के साथ। Now add 1 tablespoon of common salt, एक चम्मच नमक मिलाइए and stir well the solution till it dissolves completely. और उसे stir करते रहिए जब तक कि solution पूरी तरह से ना घुल जाए। Transfer the solution from the beaker to a porcelain dish. Heat the solution over the flame of spirit lamp with constant stirring with glass. Brought till all the water has evaporated. Stop heating, cool the porcelain dish and observe the content. क्या रह जाएगा उसमें? उसमें रह जाएगा common salt. Combination of method. और कहीं कहीं पर हम कुछ methods को combine भी करते हैं ताकि हम substances को separate कर सकें. There are several methods by which simple mixture can be separated in a single step. But there are some mixtures that cannot be separated by a single method. Such mixtures would need a combination of two or more methods for complete separation. For example, it is impossible to separate a simple mixture of salt and sand by any such method such as hand picking or sieving. सबसे common example है, अगर हम salt को और sand के mixture को हम picking, hand picking से या छान कर नहीं अलग कर सकते। It would require an indirect method. If water is added to the mixture, the salt will dissolve in it and leaving the sand intact. The sand can be separated from the solution by the process of decantation or filtration. The salt can then be recovered from the salt solution by evaporating the water. If needed, the water vapor can be turned back into liquid by the process of condensation. Thus, a mixture of sand, salt and water can be separated by a combination of methods such as decantation. Agar hame ek solution ko ya ek mixture ko alag karna hai jisme sand hai, salt hai, water hai, to usme bahut sare combinations lagenge. Such as decantation, filtration, evaporation and condensation method. सब में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब मिक्स हमें मिक्सचर ऑफ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, एक ही मेथड से काम नहीं चलेगा। सोल्यूशन एंड देयर टाइप्स। अब ये सोल्यूशन कितने तरह के होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। A homogeneous solution of two or more substances is called a solution. एक मिक्सचर जिसमें दो या मोर देन टू substances मिले हो इज नोन एज अ सोल्यूशन। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। जो सब्सटेंस कम मात्रा में उस सोल्यूशन में है, जैसे नमक और चीनी, नमक और पानी के घोल में नमक को कम मात्रा में लिया गया, एक चम्मच नमक लिया, वो कम है तो वो सोल्यूट है, और जिसमें वो घुला है, पानी में वो घुला है, दैट इज अ सॉल्वेंट। सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं? अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब अब उसमें हम कोई और भी सोल्यूट नहीं डाल सकते, एक फिक्स टेम्परेचर पर उसकी जो मात्रा होती है उस दूसरे सब्सटेंस को सोखने की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में सोल्यूशन इन विच
some more solute can be dissolved at a fixed temperature is called unsaturated solution. और जहां पर हम फिक्स टेम्परेचर में कुछ और सॉल्वेंट कुछ सम मोर सॉल्यूट को उसमें मिला सकते हैं इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगेन यू हैव टू गो थ्रू द कीवर्ड्स आर हस्क, क्रूड पेट्रोलियम, सीव, थ्रेशिंग, विनोइंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, लगून एंड कंडेंसेशन. चैप्टर इन अ नटशेल में जो भी इसको समराइज किया गया है पूरे के पूरे चैप्टर को प्लीज गो थ्रू इट केयरफुली एंड ट्राई टू डू द objective test, fill in the blanks, true and false, very short answers, very short answers type questions, long answers में आप बहुत ही proficient है, कैसे mark करना है उसे mark करके रखिए. if you have copy तो उसमें करने की भी कोशिश कीजिए. and if you have any problem you just give me a call और हम इस का solution आपको बताएंगे. and high order thinking skills में भी आपको खुद से ही करना है, because अगर आपको chapter समझ में आ गया है और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन राइट, बिकॉज आप लोग अपने आप डेवलप करना जानते हैं. आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट. सो प्लीज उसको थॉरली रिवाइज करिए, पेरेंट्स की हेल्प लीजिए. एंड स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन गिव मी अ कॉल एंड जो भी प्रॉब्लम है उसको हम मिलजुल कर ही सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.